मुख्यमंत्री रहेंगे। लगातार लोगों के बीच में थे, कुछ मीडिया के लोग मुखबिरों के हवाले से, सूत्रों के हवाले से चला रहे थे कि मुख्यमंत्री जी लापता है, मुख्यमंत्री जी और पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए, जो लोग बता रहे थे फीड कर रहे थे, जो एजेंसी के लोग हैं उनसे पूछिए क्या फीड कर रहे थे, और अपनी कार्य क्षमता पर उनको शर्म आनी चाहिए कि आप मुख्यमंत्री को खोज रहे हैं, आप छपा रहे हैं। कांग्रेस ने जीत लिया इंडिया का दिल। बता दें कि कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन के लिए टीएस सिंहदेव जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि राहुल गांधी को बेहतर से बेहतर सेवा मिले और वो 2024 का प्रधानमंत्री बन जाए। यहाँ तक कि बता दें कि झारखंड में तरह तरह के विरोध प्रदर्शन भी देखे गए। झारखंड में कई तरीके से विरोध प्रदर्शन देखे गए, जो कि हेमंत सोरेन सरकार पर ऐसी पाबंदियाँ लगाई गई, हेमंत सोरेन सरकार जो है गिरफ्तार हो गए, उस पर कई तरीके से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। यहाँ तक कि जितने विरोध प्रदर्शन किया गया, मोदी का पुतला फूंका गया कहीं पर भी, बहुत सारे यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ तक कि भाजपा सरकार का इतना ज़्यादा दुष्कर्म व्यवहार के चलते पूरे देश की जनता जो है बर्बाद होने के कगार पे आ गई है। और जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में निकलते जा रहे हैं, उन पर भी लोग टूट पड़ रहे हैं बीजेपी के। तो हर एक मुद्दे को लेकर के कांग्रेस सरकार आवाज़ उठा रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है, और अब की बार 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन के लिए हर एक वकील प्रयास कर रहा है कि राहुल गांधी को बेहतर सेवा मिले और राहुल गांधी 2024 के प्रधानमंत्री बन जाए। इसके लिए चारों तरफ से विरोध प्रदर्शन भी देखा गया, और कई तरीके से देखा जा रहा है तो कई नेताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं।